IPL 2023 के मिनी ऑक्शन के बाद हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सभी टीमों के बॉलिंग अटैक की 10 से लेकर के 1 तक रैंकिंग की थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारी टीमों में अलग अलग इंजरी के कंसर्न्स निकल करके आए हैं, जहां कुछ खिलाड़ी पूरी तरीके से IPL 2023 से रूल आउट हो चुके हैं, वहीं कुछ प्लेयर्स की अभी तक रिप्लेसमेंट भी अनाउंस नहीं हुई है। तो मैंने सोचा कि आप तक एक अपडेटेड लिस्ट पहुँचाई जाए और एक बार फिर से ज़रा 10 से लेकर 1 तक रैंकिंग करते हैं, लेकिन इस बार पेपर पर सभी टीमों के बॉलर्स को एनालाइज के साथ साथ थोड़ा सा मैं अपना ओपिनियन जोड़कर मैंने ये लिस्ट बनाई है और थोड़ा सा मैंने उनके प्लेयर्स की करंट फॉर्म को भी ध्यान में रखा है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर 10th बॉलिंग अटैक ऑफ IPL 2023 इन माय ओपिनियन अनफॉर्चूनेटली बिलोंग्स टू मुंबई इंडियंस। हमने पिछली बार जो गेंदबाजी विभाग की लिस्ट बनाई थी उसमें मुंबई इंडियंस थोड़ा सा मेरे मिड ऑफ द टेबल थी, लेकिन अब जसप्रीत बुमराह और जाय रिचर्डसन के IPL 2023 से रूल्ड आउट हो जाने के बाद अनफॉर्चुनेटली मुंबई इंडियंस का गेंदबाजी विभाग बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। अगर आप इनके गेंदबाजों की लिस्ट अब देखो तो यहां पर जोफ्रा आर्चर, कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला, जेसन बैरनडोर, ड्वेन जेंसन और ऋतिक शौकीन जैसे गेंदबाज अभी भी इनके पास है, जो कि अच्छा इंपैक्ट छोड़ सकते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कैमरन ग्रीन क्या पूरे 14 के 14 मैचों में गेंदबाजी उसी लय से कर पाएंगे और जोफ्रा आर्चर 14 में से कितने मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे, क्या उनकी रिदम होगी और कितना वो ट्रैवल करेंगे, ये सारी बातों पर अभी पूरी तरीके से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। मोस्ट और लाइकली ये है कि जोफ्रा आर्चर भी आपके सभी मैचों के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे और इसीलिए मुंबई इंडियंस आर द नंबर 10th टीम जहां तक गेंदबाजी यूनिट की बात है। नंबर 9th बॉलिंग अटैक ऑफ IPL 2023 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू चेन्नई सुपर किंग्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स को हमने अपने पिछली लिस्ट में थोड़ा सा बेहतर पोजीशन पर रखा था, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली मुंबई इंडियंस के साथ वो भी टेबल के बिल्कुल नीचे पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने पिछली बार IPL 2022 की टेबल खत्म की थी, क्योंकि काइल जेमिसन के इंजर्ड हो जाने के बाद इनके पास कोई भी बैक ऑफ लेंथ तेज गेंदबाज नहीं बचा है। अभी तक सिर्फ ये मतीशा पाथिराना के ऊपर ही ने भरोसा जताया है, देखना होगा उनको धोनी कितने मैचेस देते हैं। उसके अलावा ऑलराउंडर्स पर ये टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, चाहे आप जडेजा की बात करो, स्टोक्स की बात करो, इवन प्रिटोरियस की बात करो या फिर आप बात करो मोइन अली की, तो ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा हैं इस टीम के पास। अपने घर में चेपॉक के मैदान के लिए भले ही इनका बॉलिंग अटैक इनके काम आ जाए, लेकिन जब ये ट्रैवल करेंगे तो दीपक चहर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इस टीम के बॉलिंग अटैक को, फास्ट बॉलिंग अटैक को लीड करने की। और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि डेथ ओवर्स में ये टीम किस तरीके की गेंदबाजी करती है, काइल जेमिसन का कौन रिप्लेसमेंट आता है, उसके ऊपर इनकी पोजीशन जरूर चेंज हो सकती है, लेकिन एट द मोमेंट चेन्नई सुपर किंग्स आर द नंबर 9 टीम ऑन माय लिस्ट। नंबर 8th बॉलिंग अटैक ऑफ IPL 2023 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू राजस्थान रॉयल्स। अब राजस्थान रॉयल्स पिछली लिस्ट में टॉप 4 की टीम थी जहां तक गेंदबाजी यूनिट की बात है, लेकिन अपने प्रसिद्ध कृष्णा को खोने के बाद इस टीम का संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया है और अब उनके रिप्लेस के तौर पर ये टीम नवदीप सैनी और कुलदीप सेन जैसे गेंदबाजों पर डिपेंड है, जो कि खुद बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन हैं, और ट्रेंट बोल्ट की फॉर्म किस तरीके की रहती है गेंद से उस पर ये टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी। उसके साथ साथ इनके स्पिनर्स को पिछले साल की तरह तकरीबन हर मैच में डिलीवर करके देना होगा और उन सबके बावजूद इस टीम की डेथ बॉलिंग एक बड़ी कंसर्न बनी हुई है। हालांकि जेसन होल्डर को लाकर के इन्होंने अपनी टीम का संतुलन थोड़ा सा जरूर सुधारा था, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के जाने के बाद राजस्थान रॉयल्स गेंदबाजी यूनिट में एक बड़ा डेंट जरूर हो गया है। द नंबर 7th बॉलिंग यूनिट ऑफ IPL 2023 इन माय ओपिनियन आर डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस। अब गुजरात टाइटंस ने इस साल लूकी फर्गसन को कोलकाता नाइट राइडर्स को ट्रेड कर दिया, जिसके बाद उन्होंने मिनी ऑक्शन में जोशुआ लिटिल जैसे खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया है और उसके बाद बैकअप के तौर पर इनके पास अल्जारी जोसेफ के रूप में एक और विदेशी गेंदबाज है। उसके अलावा ये मोहम्मद शामी और यश दयाल जैसे भारतीय खिलाड़ियों पर डिपेंड है। यश दयाल खुद इधर काफी ज्यादा इंजरी से परेशान रहे हैं और स्पिनर्स में राशिद खान पर इस टीम ने गेंद और बल्ले से दोनों से डिलीवर करने के लिए बहुत ज्यादा भरोसा जताया है। वहीं आरसाई किशोर और उसके साथ साथ जयंत यादव जैसे खिलाड़ी जरूर इस टीम के पास है, लेकिन डेथ बॉलिंग मेरे हिसाब से इस टीम की एक बड़ी समस्या होने वाली है। खिलाड़ियों की फिटनेस किस तरीके की रहती है, इंक्लूडिंग कैप्टन हार्दिक पांड्या, उस पर भी इस टीम के फॉर्च्यून्स बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। मेरे नजर में शायद इंजरी का ही कंसर्न था जो इन्होंने लोकी को ट्रेड कर दिया, अदरवाइज उनको ट्रेड करने का कोई बहुत ज्यादा फायदा इस टीम को नजर नहीं आया, क्योंकि मिनी ऑक्शन में ऐसे किसी गेंदबाज को इन्होंने टारगेट नहीं किया और उस लेवल का गेंदबाज अवेलेबल भी नहीं था, और इसीलिए गुजरात टाइटंस आर द नंबर 7 बॉलिंग यूनिट ऑन माय लिस्ट।
नंबर सिक्स बोलिंग यूनिट ऑफ आईपीएल 2023 इन माय ओपिनियंस आर सनराइजर्स हैदराबाद। अब सनराइजर्स हैदराबाद ने मिनी ऑक्शन में अपनी टीम के बल्लेबाजों में तो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, चाहे आप हैरी ब्रूक की बात करो, मयंक अग्रवाल की बात करो या फिर हेनरिक क्लासन की बात करो, लेकिन गेंदबाजी विभाग में इन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए। सिर्फ एक जो इनके पास मिसिंग पॉइंट था लेग स्पिनर का, उसको आदिल राशिद के रूप में इन्होंने पूरा कर लिया। उसके अलावा इस टीम के पास फजल हक फारूकी है, मार्को जेंसन जैसे विदेशी गेंदबाज है, लेकिन जो भारतीय चार तेज गेंदबाज इनके पास है यानी कि भूवी, नट्टू, कार्तिक त्यागी और उमरान मलिक, उनकी फॉर्म और फिटनेस पर यह टीम बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है। कार्तिक त्यागी काफी ज्यादा इंजरी प्रोन है और सेम चीज इस समय नटराजन और भुवनेश्वर कुमार के साथ है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अपने करियर के आखिरी पड़ाव में एंटर कर चुके हैं। तो फिटनेस किस तरीके की रहती है उस पर सनराइजर्स हैदराबाद बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और उसके साथ साथ कैसे ये जिला होकर के खेलते हैं वो भी सनराइजर्स हैदराबाद को देखना होगा। वॉशिंगटन सुंदर की फिटनेस भी पिछले साल कंसर्न थी, तो ये टीम कोशिश करेगी कि वो पूरी तरीके से फिट रहे। कप्तान एडन मार्करम कैसे टीम को लीड करते हैं उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑप्शन इस टीम के पास बहुत ज्यादा है और इसीलिए दे आर द मिड टेबल्स एट नंबर सिक्स। द फिफ्थ नंबर बोलिंग यूनिट ऑफ आईपीएल 2023 इन माई ओपिनियन आर कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कोलकाता नाइट राइडर्स के पिछले साल गेंदबाजी विभाग में जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी एक बैक ऑफ द लेंथ फास्ट बॉलर, जिसको इस साल इन्होंने लोकी फर्गसन को वापस अपनी टीम में लेकर के पूरा कर दिया है। अब सिर्फ एक ही समस्या केकेआर के पास रह गई है, वो है एक अच्छा डेथ बॉलर ढूंढना। लेकिन आप अगर इनके बॉलिंग के जितने सारे ऑप्शंस को देखो तो इनके पास लोकी फर्गसन, टीम साउदी, उमेश यादव, वैभव अरोड़ा जैसे अच्छे तेज गेंदबाज भी हैं। उसके अलावा स्पिनर्स में सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, सूर्य शर्मा और अनुकुल रॉय का ऑप्शन इन्होंने खुद को दिया है। वहीं आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, इवन नितेश राणा जैसे खिलाड़ियों के बतौर ऑलराउंडर इनके पास विकल्प हैं और डेविड वीजे का ऑप्शन भी इनके पास है। तो इन्होंने खुद को ऑप्शन बहुत ज्यादा दिए हैं, चाहे नए बॉल से स्विंग बॉलर हो, चाहे बैक ऑफ द लेंथ पेस बॉलर हो, चाहे ऑलराउंडर्स हो, स्पिनर्स हो। डेथ बॉलिंग की कमी अभी भी इस टीम को बहुत ज्यादा खल सकती है, खास करके ईडन गार्डन्स के मैदान पर, और इसीलिए केकेआर एट नंबर 5 ऑन माय लिस्ट। नंबर 4 बोलिंग यूनिट ऑफ आईपीएल 2023 इन माय ओपिनियन आर लखनऊ सुपर जायंट्स। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के पास ऑप्शन अलग-अलग तरीके के बहुत ज्यादा है। मार्क वुड की अवेलेबिलिटी इस टीम को बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है, उसके अलावा मोहसिन खान की फिटनेस की भी खबर है और जयदेव उनादकट, डेनियल सैम जैसे बैकअप ऑप्शन भी इसके पास है। लेकिन मेरे लिए ये अभी भी टीम थोड़ी सी गेंदबाजी विभाग में इसलिए पीछे रह रही है क्योंकि क्वालिटी ऑप्शंस बहुत ज्यादा आपके पास है, चाहे आप रवि बिश्नोई की बात करो, कृणाल पांड्या आपके पास है, के गौतम आपके पास है, अमित मिश्रा का अनुभव आप लेके आए हो, दीपक हुड्डा से आप बोल करा सकते हो, बदोनी से बोल करा सकते हो, लेकिन जो आपकी फास्ट बोलिंग यूनिट है यानी कि आवेश, मार्कवुड और मोहसिन, तीनों ही बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन खिलाड़ी है, खास करके मार्कवुड और मोहसिन खान, जिनका पिछला मैच लास्ट मैच जो था वो एलिमिनेटर मुकाबला था आरसीबी के खिलाफ, उसके बाद उन्होंने कोई भी क्रिकेट नहीं खेली है और इस बात के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो टूर्नामेंट में प्लेइंग 11 में स्टार्ट भी ना करें। तो लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने तेज गेंदबाजों के फिटनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि अगर इनमें से एक भी गया तो इस टीम को लेने के देने पड़ सकते हैं, और इसीलिए क्वालिटी के मामले में ये जरूर अच्छे हैं लेकिन मेरे लिस्ट में दे आर एट नंबर 4। नंबर 3 बोलिंग यूनिट ऑफ आईपीएल 2023 इन माय ओपिनियन आर पंजाब किंग्स। अब पंजाब किंग्स की टीम ने भारतीय गेंदबाजों के मुकाबले में खुद को बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन जो इनकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 है उसमें इनके मोस्टली ऑल बेसिस कवर्ड है, चाहे आप बात करो अर्शदीप सिंह की डेथ बॉलिंग और स्विंग बॉलिंग की, कागिसो रबाडा बैक ऑफ द लेंथ पेस बॉलर इनके पास है, उसके अलावा सैम करन इनके पास है, राहुल चहर के रूप में एक अच्छा लेग स्पिनर है, हरप्रीत ब्रार है, राज अंगद बाबा, ऋषि धवन जैसे ऑलराउंडर्स हैं, लियम लिविंगस्टोन जैसे ऑलराउंडर हैं, तो तकरीबन सारे बेसिस कवर्ड हैं इन द फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11। लेकिन अगर बैकअप की जरूरत पड़ती है तो इस टीम को लेने के देने पड़ सकते हैं। हालांकि काफी ज्यादा फिट खिलाड़ी हैं इनके पास, जल्दी इंजर्ड नहीं होते, और इसीलिए मेरे लिस्ट में पंजाब किंग्स आर द नंबर 3 बॉलिंग यूनिट ऑफ आईपीएल 2023। नंबर 2 बॉलिंग यूनिट ऑफ आईपीएल 2023 इन माय ओपिनियन आर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पेपर पर तो अच्छी गेंदबाजी यूनिट दिखाई देती है, लेकिन पहला खिलाड़ियों की फॉर्म और दूसरा अपने गेंदबाजों की फिटनेस ने इस टीम को थोड़ा परेशान जरूर करके रखा है। जहां जॉश हेजलवुड जैसे खिलाड़ियों की फिटनेस पर थोड़ा सा सवाल है, मोहम्मद सिराज को भी लास्ट टेस्ट मैच में जगह नहीं मिली तो थोड़े फैंस उनको लेकर भी परेशान है। एक लंबा टेस्ट सीजन उन्होंने खेला है, वाइड बॉल में लगातार खेलते चले
चले आ रहे हैं और हर्षल पटेल की फॉर्म में जो डिप आया है इंजरी के बाद से, जब से वो एशिया कप में आए थे पिछले साल, उसके बाद बहुत ज़्यादा डिप उनकी फॉर्म में आया है और उनके स्लोअर गेयरकर ने डिप लेना बंद कर दिया है, तो ये उनके फैंस के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का सबब है। हालांकि मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछो तो अभी तक उन्होंने चिन्नास्वामी में बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली है, जहाँ पर छोटा सा ग्राउंड है, छक्के लंबे लंबे पड़ते हैं, लेकिन अगर आप पिछला थोड़ा सा रिकॉर्ड उठाओ चिन्नास्वामी का तो वहाँ पर गेंद थोड़ी बहुत रुक कर भी आती है और उसके साथ साथ स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। तो हसारंगा आपके पास है, कर्ण शर्मा का अच्छा बैकअप आपके पास है, ग्लेन मैक्सवेल आपके पास है जो कि लगातार बढ़िया बॉलिंग करते हैं, तो ऑप्शंस हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास। और अगर अच्छा नहीं करते आपके हर्षल पटेल तो आप अविनाश जैसे गेंदबाज के पास जा सकते हो और सिद्धार्थ कौल जैसे अनुभवी गेंदबाज का विकल्प भी आपके पास है। तो ओवरऑल बैलेंस यूनिट है, टूपली को भी हम भूल रहे हैं वो भी हैं, तो बैलेंस गेंदबाजी यूनिट दिखाई दे रही है आरसीबी की और इसीलिए मेरे लिस्ट में दे आर एट नंबर टू। नंबर वन बॉलिंग अटैक ऑफ आईपीएल 2023 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू दिल्ली कैपिटल्स। अब दिल्ली कैपिटल्स ने खुद को मिडिल ऑर्डर में बहुत ज्यादा क्वालिटी ऑप्शंस भले ही ना दिए हो, ऋषभ पंत भले ही इंजरी से जूझ रहे हो और अपना कप्तान अनाउंस करने में भी ऑफिशियली ये टीम थोड़ी सी देरी लगा रही है, लेकिन जहां तक गेंदबाजी की बात है एवरीथिंग इज सुपरली सिक्योर, क्योंकि अगर आप इनके विदेशी तेज गेंदबाजों को देखो तो अंद्रिक नौरकिया इनके पास है, लुंगी एनगिडी इनके पास है, मुस्तफिजुर रहमान इनके पास है, अनुभवी विदेशी गेंदबाज हैं तीनों ही, उसके बाद खलील, चेतन साकरिया, मुकेश कुमार, कमलेश नागरकोटे, चार क्वालिटी भारतीय गेंदबाज इनके पास है, जहां तक खास करके खलील और साकरिया की आप बात करो, कुलदीप यादव इनके पास हैं और अक्षर पटेल की स्पिन का भी ये पूरा फायदा उठा सकते हैं और अक्षर पटेल तो इस समय कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं, चाहे आप गेंद की बात करो या बल्ले की बात करो, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज्यादा एनहेंस रूप में आपको वो दिखाई देंगे एज अ बैट्समैन ऑल्सो इन दिस सीजन, तो कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज्यादा ऊपर है। डेविड वार्नर अगर इस टीम के कप्तान होते हैं तो ऐसे गेंदबाजों से काम कैसे निकलवाना है, ये भला वार्नर से बेहतर कौन जानता है। हम सब ने देखा सनराइजर्स हैदराबाद में उन्होंने जिस तरीके से कप्तानी की है अपने युवा भारतीय गेंदबाजों के साथ उस समय, जो कि अब बहुत ज्यादा सीनियर प्रोज हो चुके हैं, और सेम काम वो दिल्ली के साथ कर सकते हैं और इसीलिए मेरी लिस्ट में दिल्ली कैपिटल्स आर द नंबर वन बॉलिंग यूनिट ऑफ आईपीएल 2023। तो अब इस अपडेटेड लिस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से क्या दिल्ली कैपिटल्स वाकई नंबर वन बॉलिंग यूनिट दिखाई दे रही है। ऑन पेपर मुंबई इंडियंस बुमराह और आर्चर जैसे जोड़ी को खोने के बाद अब किस तरीके से आर्चर के साथ नए गेंदबाज को पेयर करेगी, केकेआर, एसआरएच, आरसीबी, सबके बारे में आपका जो ओपिनियन हो फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट द फैमिली, बिकॉज इसी तरीके की न्यूज, अपडेट्स और एनालिसिस लगातार आपको इसी चैनल पर देखने को मिलने वाला है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।